हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास यहाँ पे फोर्ड इको स्पोर्ट्स आई हुई है और इसके अंदर हम लोग पूरा फुल मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी इसके हमने जो सीटें हैं वो पूरी खोल ली हैं और अभी सीट कवर का काम चल रहा है। फुल बकेट सीट कवर्स लग रहे हैं इसके अंदर और काफ़ी अच्छा पैटर्न चूज़ किया हनीकॉम पैटर्न में। इसके पूरे 3D डिज़ाइन में सीट कवर लगाने वाले हैं हम लोग। नीचे आप देख सकते हैं अभी पूरा जो सर की गाड़ी है पूरी कारपेट इसके अंदर नॉर्मल है। इसमें हम 70 मैट्स पूरा इंस्टॉल करने वाले हैं और साथ ही में हम आपको और चीज़ दिखाएं तो इसके अंदर जो है नीचे साइड में रिफ्लेक्टर है और पिलर लाइट, ये दोनों चीज़ हम इसकी चेंज करने वाले हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो इसका ओरिजिनल पैनल है वो पूरा निकाल लिया है और यहाँ पे जो है पूरा पैनल का पैनल ही पूरा चेंज होता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये जो है लाइट पूरी ये एज इट इज़ ये पैनल जो है नया पैनल इसके अंदर लगा देंगे हम। रिफ्लेक्टर आप देख सकते हैं ये रनिंग रिफ्लेक्टर है और सारे मोड्स इसके अंदर चलते हैं, पार्किंग, ब्रेक, अपने रनिंग इंडिकेटर और अपना रिवर्स पार्किंग लाइट, सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। जब ये लग जाएगा तो एक फ़ाइनल वीडियो हम आपको पूरा दिखाएंगे जिसके अंदर ये सारी चीज़ें को वर्किंग करते हुए दिखाएंगे हम। तो अभी हम काम पूरा शुरू कर रहे हैं और प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो में पूरा इसका मॉडिफिकेशंस देखने के लिए। तो दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर काम हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। आइए हम आपको पूरा दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने इस अपने गाड़ी के अंदर जो है काम किया हुआ है। सबसे पहले आप देख सकते हैं रेन वाइजर्स लगे थे इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोर गार्ड्स जो हमने बहुत अच्छे से प्लेस किए हैं। जहाँ पे डोर ये एज टकराता है बिल्कुल वहीं पे प्लेस किए हैं ताकि कभी भी डोर टकराए तो डोर एज गार्ड्स पे ही लगाए और वो आपके डोर को प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद अंदर लेके चलता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी 70 मैट जो है पूरी इंस्टॉल करी गई है इसमें, जो कि काफ़ी अच्छी। इसमें आपका क्लच, पैडल, ब्रेक सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से प्रेस हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती आपको इसमें। यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये सीट कवर है, इसमें 3D डिज़ाइन में हमने जो सिल्क नापा है कपड़ा उसके अंदर पूरा डिज़ाइन करके लगाया हुआ है। काफ़ी अच्छा दिखता है ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन, क्योंकि गाड़ी के अंदर इंटीरियर भी आपको यहाँ पे देखें तो ब्लैक कलर का है तो काफ़ी मैच करता है इससे। ये आप को ड्राइवर सीट देख सकते हैं, पूरी बकेट बनाई गई है यहाँ पे हमने। और इसी के साथ मैं आपको इसमें पीछे दिखाऊं तो यहाँ पे आप पीछे की भी 70 देख सकते हैं। ये जो है पूरी पैनल से पैनल लगती है। यहाँ पे आप पीछे का बैक पैनल भी देख सकते हैं जो कि पूरा आपको कवर करता है। साथ ही में आपका जो लेग रूम है पूरा लेग रूम अंदर तक जाके कवर करता है ताकि जो भी धूल मिट्टी हो वो उसके अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। इसी के साथ हमने जो है इसके अंदर एटमॉस्फेयर लाइट भी लगाई हुई है। तो आप देख सकते हैं ये पीछे के जो आपका फुट स्टेप है वहाँ पे आपकी लगे हुए हैं और आगे भी आप देख सकते हैं ये अपने यहाँ पे हमने इसको प्लेसिंग करी गई है। इसी के साथ ही हमने इसके अंदर ये आप देख सकते हैं डोर स्टेप जो है ये लगाए हुए हैं, वो भी इको स्पोर्ट्स के स्टेनलेस स्टील में आते हैं जो कि डोर को प्रोटेक्ट करते हैं काफ़ी अच्छा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक डोर के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने पूरा स्टेपनी कवर लगाया है इसके अंदर, सिल्वर कलर का ये स्टेपनी कवर आता है इसमें और बिल्कुल जैसा कंपनी आपको देती है वैसा ही है पूरा, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है आपको। इसके बाद हम दिखाते हैं आपको इसके अंदर हमने जो है पिलर लाइट और नीचे के रिफ्लेक्टर इंस्टॉल किए हुए हैं, तो हम आपको जला के दिखाते हैं किस तरीके से वर्क करते हैं। अभी आप देखेंगे अभी जब हमने पार्किंग ऑन करी है अपनी तो नीचे के आप रिफ्लेक्टर चेक कर सकते हैं। ये इसका पार्किंग मोड होता है कुछ इस तरीके का, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और ऐसी पिलर लाइट आप देखेंगे तो पिलर लाइट में भी पार्किंग मोड रहता है जिसमें एक ये रेड कलर का एम्बियंस आपको पीछे से प्रोवाइड करता है ताकि जो भी पीछे से आ रहा है उसको पता पड़ सके कि आगे गाड़ी है और उसके एक स्टॉप लैंप्स तरीके से उसको समझ में आ जाएगा कि गाड़ी चल रही है आगे। जैसे ही आप ब्रेक अपना अप्लाई करते हैं तो एक पैनिक ब्रेकिंग जो होती है इसमें ये ब्राइट हो जाता है जिसमें ताकि पीछे वाले को पता पड़ जाए कि आपने ब्रेक लगाए हुए हैं, ब्रेक अप्लाई किए हुए हैं, तो इस तरीके से काम करता है। प्लस इसमें आपको मैं और भी फंक्शंस दिखाता हूँ जो रिफ्लेक्टर है हमारे पास, इसमें इंडिकेटर का फंक्शंस भी है हमारे पास। जैसे कि आप इंडिकेटर देंगे तो यहाँ पे आप देखिए रनिंग इंडिकेटर चलने लगता है यहाँ पे, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है इस गाड़ी में। ऐसे ही अगर आप पार्किंग दबाएँगे बीच वाला तो आपके दोनों जो हैं वो चलने लगते हैं। इसी में रिवर्स गियर भी है हमारे पास, जैसे कि आप ये देख सकते हैं रिवर्स गियर के अंदर ये जो है पूरा वाइट कलर का एम्बियंस देने लगता है। रिवर्स गियर हटाना, ये देखिए जैसे ही हम रिवर्स गियर हटाते हैं तो ये जो आपके पार्किंग मोड है दोनों तरफ रनिंग चलने लगता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा एम्बियंस देता है गाड़ी को और 4D को स्पोर्ट्स के लिए आता है स्पेशली।
आप देखिए कितना खूबसूरत लगता है। इसी तरीके से आपको भी अपनी गाड़ी में काम कराना तो आप भी आ सकते हैं स्टार कार डेकोर एंड एक्सेसरीज, जो कि एमपी नगर जोन 2 में सिचुएटेड है भोपाल के अंदर, और आप भी अपनी गाड़ी में इस तरीके काम करा सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।